चलिए अभी एक हम बनसवाड़ी रेलवे स्टेशन के पास खड़े हैं और यहाँ के बहुत सारे ऑटो ड्राइवर लोग हमारे साथ खड़े हैं, उनके क्या क्या प्रॉब्लम है वो जानने की कोशिश करते हैं। सर आपका क्या नाम है? राजेंद्र प्रसाद है। राजेंद्र प्रसाद जी, आप कब से ऑटो चला रहे? 88 से चला रहा हूँ। 88 से चला रहे। अब ये बताइए, पहले जो ऑटो चलाते थे शुरुआती दौर में और अभी, उस वक्त ज़्यादा अच्छा था कि अभी चलाना ज़्यादा अच्छा लगता है? पहले बहुत अच्छा था। पहले अच्छा था, ऑटो ट्रैफिक कम था। पहले अच्छा था, बिजनेस भी अच्छा चल रहा था। अब बिजनेस तो नहीं है। अच्छा, क्या रीजन हो गया आपका बिजनेस कम होने का? बिजनेस कम होने का, अब कैब ज्यादा हो गया। कैब बाद ट्रैवल्स का पूरा ज्यादा हो गया, बाद ओला उबर हो गया। अब अनपढ़ने वाले को ओला उबर डालने नहीं होता। अब हम अनपढ़ पढ़ रहा तो हमें आराम से ओला में ये खरेगा। हम तो ओला खरेगा, हम तो पसंद नहीं है। तो पहले आप पर डे कितना कमा लेते थे और अभी कितना कमाई होता है? पहले आप आराम से 500 रुपये आराम से काम पूरा जाके कलेक्शन जाके पेट्रोल का जाके आप आराम से 500-600 रुपये कमा लेते हैं। अब 500 रुपये कमाने का बहुत मुश्किल है। ट्रैफिक ज़्यादा है, एक बाड़ा छोड़ने 1 घंटे होता है, 2 घंटे होता है, फिर वहाँ से बाड़ा मिलने बहुत मुश्किल है। ऑटो ड्राइवर का बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, ये बताइए कि गवर्नमेंट से आप लोगों को कोई फैसिलिटी मिलता है? क्या फैसिलिटी है, क्या भी नहीं है। अब 6-7 ईयर्स 25 रुपीज़ है किलोमीटर, क्या सहूलत है? क्या भी गैस भी हमने, क्या भी वर्कआउट नहीं हो रहा है। 25 रुपीज़ 7 ईयर्स है, हमने क्या सहूलत करके दिया? क्या भी सहूलत नहीं करके दिया, क्या सहूलत है? अगर इसके लिए आप लोग कोई डिमांड नहीं करते कि भाई हमारा खर्चा ज्यादा है और प्रॉफिट खर्च है, पूरा डबल हो गया। हमारा खर्च ज्यादा हो गया, हमारा बच्चे ज्यादा पढ़ने वाले, अब ग्रोथ हो गया, हमारा बच्चे ग्रोथ हो गया, कमिटमेंट ज्यादा है। अब ये हमें ये भरोसा रख के हमें कहते हैं, हमें बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत वाका है, क्या करना है? तो पहले ज्यादा अच्छा था, अभी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मुश्किल हो रहा है हमको, ये ऑटो छोड़ा तो दूसरा बिजनेस तो हमको मालूम नहीं है। आप क्या करेगा हमारा फ्यूचर को? क्या बहुत दिन से 31 साल से चला रहा हूँ मैं, 31 ईयर से चला रहा हूँ। तो क्या आपके बच्चे लोग का एजुकेशन और कैसा? एजुकेशन अब मेरा बच्चे +2 पढ़ रही है, एक 7वें क्लास पढ़ रहा है हमारा बेटा। अब बहुत मुश्किल है, उसको फीस भरना है, एडमिशन भरना है, घर का देखना, घर का भाड़ा देखना है, गाड़ी का फाइनेंस देखना और कार्ड का देखना, फाइनेंस का देखना, पूरा मुश्किल है। इसमें कमाई 500 रुपये कमाई के क्या करेगा ये ऑटो ड्राइवर? तो एक बात बताइए, जब आपके दिल में और दिमाग में इतना टेंशन होता है, ठीक है ना, तो ये टेंशन जब आप ऑटो चलाते हैं तो उस वक्त ऐसा उसका कुछ असर पड़ता है क्या? क्योंकि आदमी जब चिड़चिड़ा होता है, पैसा नहीं है, टाइट है, तो आदमी बात करने में थोड़ा फर्क तो पड़ता होगा। फर्क तो वो टेंशन तो सबको मिलता है, वो आदमी का पास हमें टेंशन करने नहीं होता है। अब ट्रैफिक का टेंशन है, ये पैसे का टेंशन है, अब पैसेंजर का कैसा करने होता है, पैसेंजर हमारा पैसेंजर, उसका वजह हमें जब पैसेंजर आया तो ना उसको हमें अच्छा करा तो ना हमको ये आएगा, उसको कैसा हमें टेंशन करेगा, नहीं करेगा ना। तो बात ये है कि आपका टेंशन आप दबा के अच्छे से कस्टमर को सहूलत देने की कोशिश करते हैं? यस, हमें कोशिश करता है, हमारा कस्टमर को हमें अच्छा सहूलत करके हमें जाके छोड़ता है। अच्छा, देखिए जनरली बहुत सारा जो पब्लिक है ये कंप्लेन करता है कि ऑटो वाले लोग बिना मीटर के जाते हैं, हमको सताते हैं, डबल मांगते हैं, तो ऐसा क्या आप लोगों के साथ होता है? अगर ऐसा होता है तो कितने परसेंटेज ड्राइवर ऐसा करते होंगे? क्या 10% 20% रहेगा, पूरे तो नहीं रहेगा, पूरा आदमी तो उतना नहीं पूछेगा, एक एक आदमी पूछेगा, नहीं तो वेटिंग करेगा, वेटिंग करता तो अब रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन में वेटिंग करेगा, वेटिंग करेगा तो 1 आवर 2 आवर वेटिंग करता है, एक आदमी आता है वेटिंग करता है, एक 20 रुपये देव घर को बोलता है, क्योंकि तो 7 साल से हमको क्या भी नहीं है। 25 रुपीज में क्या आएगा बोलो, क्या आएगा 7 साल से? क्या भी नहीं आया, पूरा ऑटो ड्राइवर को बुला ला को रैली सभी करे, ऑटो ड्राइवर रैली करके वो दिन आया है तक, अभी तक ऑटो ड्राइवर को क्या भी कुछ नहीं करे। अभी भी CM को येडियुरप्पा है ना, CM ऑटो वाले को क्या करे बोलो वो। तो कभी भी आप लोगों को कोई मिनिस्टर या कोई भी आके कभी आप लोगों का साथ नहीं दिया? कौन भी नहीं साथ, उनका मीडिया, उनका नाम होना, उनका काम होना कर को ऑटो ड्राइवर को बुला ला को आता, उनका काम होने के बाद हाथ धो को चला जाता। तो जब जरूरत है इस्तेमाल करते हैं, जब जरूरत नहीं है तो पूछने भी कोई नहीं आता है? कौन भी नहीं आता, यूनियन वाला भी नहीं आता, ऑटो ड्राइवर कहीं आता, गवर्नमेंट वाला भी कौन भी नहीं आता।
तो कहीं ना कहीं यही मामला है कि हर कोई आदमी के जो फोर्स होता है उसको इस्तेमाल करता है, और जब उसका काम निकल जाता है तो कभी पूछने भी नहीं आता है। गवर्नमेंट की तरफ से आपको कुछ प्रॉब्लम है कि सब कुछ ठीक है? हाँ, गवर्नमेंट तरफ से बहुत प्रॉब्लम है सर। क्या प्रॉब्लम है आपको? काम ना पुलिस वाला पकड़ा था, 100 रुपये का फाइन था, अब 400 रुपये 1000 रुपये फाइन डाल रहा। नो यूनिफॉर्म रहता उसका भी 500 रुपये डालता, नो पार्किंग रहता उसका भी 1000 रुपये डालता। हमें कैसा 1000 रुपये देना आ गया था दो दिन। तो यूनिफॉर्म पहन के क्यों नहीं जाते? यूनिफॉर्म पहन कर रहता ना, तो यूनिफॉर्म पहने तो फाइन नहीं करेगा ना। नो पार्किंग में देखो, तुम्हें आगे बात करता मैं खड़को रहता, नो पार्किंग रहता, आगे 1000 रुपये फाइन कर रहता, क्या करना होता बोलो। अच्छा ये बताइए कि ये 2-3 साल में आप पहले से चला रहे, बहुत दिनों से ऑटो चला रहे, अभी लास्ट 2 साल में पहले जो ऑटो चलाते थे उस टाइम में ज़्यादा आराम था कि अभी ज़्यादा अच्छा है? पहले भाड़ा पहले ज़्यादा अच्छा मिलता था कि अभी मिल रहा है? पहले 2 साल का पहले भाड़ा अच्छा था, अब क्या आ गया था, ऊबर वाला आ गया, ओला वाला आ गया, वो दोनों वाला कब आया तो ऑटो वाला का भाड़ा नहीं मिलता। सुबह आको रेलवे स्टेशन में आता, हमें भी सुबह 5 बजे को उठ को आता, भाड़ा मिलता कर को। अब ऊबर वाला आया तो 5 बजे का ऊबर को बुक कर को 10-15 मिनट पैसेंजर वेट करता, हम आको ऑटो वाला सब करके पूछा तो कौन भी नहीं आता। हमें 5 बजे को उठ को आको क्या फ़ायदा है बोला सर। अच्छा पंडित जी, हमेशा कस्टमर के दिल में एक बात रहता है, ऑटो वाले जब भी हैं तंग करते हैं, मीटर से नहीं जाते, एक कंप्लेन हमेशा उनके दिल में रहता है ये बात। ये बताइए कस्टमर से आपको क्या कंप्लेन है? कस्टमर से काम क्या भी कंप्लेन है सब, एक आदमी करता का गलत है तो सभी ऑटो ड्राइवर को गलत समझ दो, मैं क्या भी बोल नहीं सकते होता नहीं। हमें गलत करता करता 10 आदमी नहीं गलत करता, वो सोच समझ को आप पैसेंजर वाला हमको सपोर्ट कर जाता रहता, ओला भी ऊबर भी उठाना सब। अच्छा आजकल जो गवर्नमेंट का महंगाई से कुछ फर्क पड़ रहा है कि पहले जैसा था अभी वैसे ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? गवर्नमेंट से पहले भी 2 साल का पहले भी 25 रुपीज़ मिल रहा था, वो भी 20 पर 8 रुपये गैस का रेट था, अब 30 पर 6 रुपये गैस का रेट रहे, वो टाइम में भी 20-50 रुपये मिनिमम रहता, क्या फ़ायदा बोलो। से ऑटो चला रहे? ऑटो कम से कम एक पहले 12 साल से 15 साल तक चलाया, उसके बाद छोड़ा लगा, पकाते का काम को चल रहा था। अच्छा खाना पकाते थे? हाँ। फिर खाना पकाना छोड़ के फिर ऑटो में क्यों? उधर प्रॉफिट नहीं था क्या? नहीं, थोड़ा बिजनेस कम ना, मेरा खुद का था। अच्छा वो छोड़ा लगा फिर ऑटो में इधर में आ गया। ठीक है, अब ये बताइए भाड़े का ऑटो। ये बताइए कि आप जो ऑटो इतने दिनों से चला रहे हैं जी, तो पहले जो भाड़ा आपको मिलता था 1-2 साल पहले या उसके पहले, उस टाइम में आपका आमदनी ज्यादा अच्छा होता था कि अभी ज्यादा अच्छा आमदनी है? उसी टाइम पे आमदनी ज्यादा था, पहले ज्यादा अच्छा। हाँ, अभी तो बहुत कम है। क्या रीजन है कम होने का? कम होने का रीजन का तो पूरा कौन भी पैसेंजर आंदे ओला बुक कराया हूँ, उबर बुक कराया हूँ, वही बोलता है। अच्छा ये बताइए आप दिन में ऑटो चलाते हैं या रात में चलाते हैं? हमारी ड्यूटी तो अभी एटम में आया मैं। अभी अच्छा शाम में शुरू करते हैं? हाँ अभी एटम से शुरू करता हूँ, 1-10 बजे तक चलाऊंगा। चलो नहीं चलो, ऑटो चलाते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स आता है कभी? ऐसा होता है कि आपको लगे कि नहीं भाई रात में हमको चलाने में दिक्कत है, या कोई डर, या कोई कभी पैसेंजर ऐसा मिल जाता है जिससे आपको लगे कि आपको जान को खतरा है, ऐसा कभी हुआ है? नहीं हमारे को तो नहीं हुआ, हम तो जा सकते हैं, आदमी का शक्ल देखते हमें मालूम हो जाता ना या ऐसा ही बोल के, तो ऐसा ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं नहीं है नहीं होता। अच्छा आप कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी आपको गवर्नमेंट वर से मिलता है क्या? नहीं कुछ नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं, कुछ नहीं। अच्छा अच्छा बहुत सारा एक पॉवर्टी कार्ड वर बनता है गवर्नमेंट का, तो आप ऐसा कार्ड वर बनवाए हैं क्या कि जिसको लो इनकम है उससे कुछ फैसिलिटी मिलते हैं, ऐसा कुछ अवेयरनेस है आप लोगों को कि कार्ड वर का? नहीं बनाया सब अभी तक, लेकिन आप तो मालूम नहीं है हमारे को। अच्छा मालूम हो जाता तो शायद बना सकता था, मैंने मालूम नहीं। हम बात ये नेता लोग आप लोगों को बुलाते हैं हमेशा जब रैली होता है जी, तो उस वक्त आप लोग जाते हैं तो रैली में पूरा आप लोग सपोर्ट करते हैं, तो वो सपोर्ट करने पर अगर जीत जाता है तो वो आदमी कभी आप लोगों को मदद करता है? काम करता है तो जाके आप लोग कभी क्या मालूम अभी लोगो अभी अभी। अच्छा आपका वोटिंग किधर है? वोटिंग अगर में है नहीं, कौन सा एरिया में देते हैं? इधर पाई। मैं ये बोल रहा हूँ आप लोग जो वोट देते हैं क्या सोच के वोट देते हैं? सब करेंगे, सभी करेंगे, सभी अच्छा होंगे, अच्छा रहना, उन्हें भी हमारे को सपोर्ट करेंगे करके देता। लेकिन आप इतना 3 दिन हो गया, लोग आते हैं उसके बाद से वोट लेके चले जाते हैं, आप लोग कभी जाके पूछते भी नहीं है? पूछने का उन्हें रहना नहीं ऑफिस में, ऑफिस में कौन भी नहीं रहता ना, कब गया तो भी उसका ये काम वाला अच्छा रहता। तो मतलब ये है कि कभी आप लोगों का ये नहीं हो पाता है कि उनसे मिल पाए, मिलने में नहीं दिया जाता होगा?
नहीं मिलता, नहीं मिलेगा। हाँ, क्योंकि बात ये है कि तो बड़े लोगों से मिलेंगे ना, छोटे लोगों से क्यों मिलेंगे, ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो जब भी अभी देखिए फिर से इलेक्शन आने वाला है जी, तो आप लोग हमेशा उच्च प्रोफाइल के आदमी को ढूंढा कीजिए जो आपसे मिल सकता है जी, ये बहुत ज़रूरी है जी। देखिए जब तक आप लोग खुद नहीं जागेंगे तब तक ये लोग इस्तेमाल करेंगे। हाँ वो तो सही बात है। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। अब हमारे साथ दूसरे ड्राइवर एल मलाई साहब हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका क्या प्रॉब्लम है। मलाई साहब कब से ऑटो चला रहे? ऑटो कितने एक्स्ट्रो भी वर्ष आई था? पर साल चार साल से आप ऑटो चला रहे हैं। दो साल पहले भाड़ा ज़्यादा मिलता था कि अभी भाड़ा ज़्यादा मिलता है? दो साल महीना ज़्यादा मिलता था अभी क्यों कम मिल रहा है? क्या क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम? पूरा उबर ओला और मेट्रो अच्छा पूरा आएगा कहता है, हमारा लॉन्ग बाड़ी के नहीं चलता। अच्छा, लोकल में मिलता, लोकल में ज़्यादा आपको है, और उबर और ओला आने के वजह से भाड़ा पहले से कम हो गया। कम हो गया। अच्छा, ये जो फाइन है, फाइन से आपको कुछ प्रॉब्लम है? और सिंगल जंप होता है प्रॉब्लम, 1000 रुपये का था फाइन है। तो इनकम कम है, और अगर गलती में पकड़ लिया तो फाइन ज़्यादा है? इनकम कम है, फाइन ज़्यादा हो गया। और कस्टमर से कोई प्रॉब्लम है आपको? कस्टमर पूरा ओला उबर चलेगा था। तो आप क्यों नहीं ले रहे ओला उबर? हमें ओला नहीं चलता भाई। अच्छा, वो आपको ऑपरेट करने के लिए नहीं होता है मोबाइल में, इसलिए आप नहीं डाल रहे? तो एक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसको मोबाइल ऑपरेट करने नहीं आता है उनके लिए एक प्रॉब्लम का मसला है, क्योंकि ओला उबर जिसको चलाने आता है उनको भाड़ा ज़्यादा मिलता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज एमसी फरदीन हियर विद यू ऑल, एंड टुडे वी आर हियर एट हेगड़े नगर सर्कल, एंड वी गोना बी टॉकिंग अबाउट द pains of the auto guys, so please stay tuned, and I'm going to be talking to most of the auto drivers and they will explain you what is their pain and how are they earning. So I'm going to be selecting very randomly and we're going to be talking to them directly, so let's go and see. As of now I can see a auto driver here, so I will talk to sir here. So sir, what's your name? Aapka naam sir? Assalamu alaikum. Mushtaq Ahmed. Mushtaq Ahmed. So Mushtaq Ahmed sir, aap kab se auto chala rahe ho? Hame kam se kam ek 25 saal se. Mashallah. So aap 25 saal se auto chala rahe ho, to aap ek baat bolo mujhe, 25 साल में क्या फर्क दिख रहा है आपको अभी में और 5 साल पहले या 10 साल पहले? 5 साल पहले 10 साल पहले क्या भी प्रॉब्लम नहीं थी, अब पुलिस वाले का बहुत यह है बोल रहे हैं। यस यस, अब उसके वास्ते हमें भी सही रहना, सही बात डॉक्यूमेंट रहना और डीएल रहना और यूनिफॉर्म बराबर रहना। yes. पुलिस वाले भी क्या भी नहीं करते। यस yes. आपके क्या है, छोकरा ना अभी चलाते हैं आपके, उसे डॉक्यूमेंट भी नहीं रहता, इसका ये भी नहीं रहता, उसके वास्ते प्रॉब्लम हो रहा। सही बात बोले आप पे, तो ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स सही रहने से कुछ नहीं होता, राइट? वो चेक करते हैं, चेक करके आपको भेज देंगे। तो आप ये बोलो, आमदनी में कुछ फर्क हुआ है पहले से और अपने? क्या भी नहीं, आराम से गए तो कमा लेकर आ जाती, नहीं तो इधर उधर हल्टे मारे तो कमाते नहीं। वो भी आप बहुत सही बात बोल रहे हो, ऑन द पॉइंट, कमाने वाला कोई भी जाके कैसे भी कमा लेगा, राइट? तो आप एक कोई सजेशन देना चाहोगे कर्नाटका ट्रैफिक पुलिस को कि आप ऐसे कुछ चेंजेस लाओ ऑटो ड्राइवर्स के लिए? जी, अभी वो भी क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट देखते हैं, सही रहा तो भेज देते हैं, नहीं तो वो भी उनका काम ना करते हैं। सही बात। तो अभी आप जो बोल रहे हो, हम अगर सही रहेंगे तो आगे वाला भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने बहुत रोशनी डाली। तो अब हम दूसरे ऑटो में हैं और दूसरे ऑटो ड्राइवर सर के साथ हैं, तो मैं उनकी ऑटो में बैठा हूं, उन्हीं से पूछते हैं। सर आपका नाम? यस, बादशाह साहब। बादशाह साहब, सो बादशाह भाई आप बताओ कितने साल से आप ऑटो चला रहे हो? ये डिपार्टमेंट में 60-50 से हूँ। 1964 से है, माशाल्लाह। तो 15-16 साल से ऑटो चला। 15-16 साल से, ठीक। पहले ड्राइविंग स्कूल में 20 साल सर्विस कराया। इससे पहले क्या कर रहे थे आप? ड्राइविंग स्कूल 20 साल सर्विस कराया। 20 साल से भगवानी ड्राइविंग स्कूल। अच्छा, तो ऑटो चलाते हुए कितने साल हुए आप? 15-16 साल हो गया। तो आप बैंगलोर में ही चलाते हो, राइट?
तो आपको क्या फर्क लग रहा है 15-16 साल में, आज की आमदनी कैसी है और जो 5 साल पहले रहती थी वो आमदनी कैसी है? 5 साल के पहले को आपको आधा का आधा डिस्काउंट हो गया। आधा का आधा डिस्काउंट हो गया, मतलब चला गया, अभी उतना नहीं आ रहा है? अच्छा, तो क्यों नहीं आ रहा आपको, क्या लगता है क्यों नहीं आ रहा? हम लोग तो गाड़ी ज्यादा हो गया, ड्राइवर लोग ज्यादा हो गया। अच्छा, तो आपको भी ऐसा ही लगता है कि ज्यादा ड्राइवर होने की वजह से आपको कंपटीशन ज्यादा हो गया, तो इस वजह से नहीं मिल रहा? तो कोई एक सजेशन आप देना चाहोगे ट्रैफिक पुलिस कर्नाटका को कि आपके लिए कुछ ऐसा रूल निकाले जो आपको हेल्प हो? हमने हेल्प क्या भी करता नहीं, अभी चेकिंग बहुत करती, डीएल ले लेकर डिस्प्ले दिखाए तो भी नए नए ओरिजिनल डीएल दिखाओ, ओरिजिनल डीएल जेब में रख लो, कौन चलाता है? डिस्प्ले पोल्यूशन से बना देते, लाइसेंस जाकर दे तो उन्हें देखो डिस्प्ले जैसे से बना देता है, वो लगाए तो वो सभी हमारा नको ओरिजिनल कार्ड दिखाओ होता है। करेक्ट बोल रहे हो आप। तो आप बोलना चाह रहे हो कि अगर सिर्फ डिस्प्ले भी हो तो उसको पास कर देना चाहिए, मतलब जब वो रोड पे पकड़ता है पुलिस वाला, तो आप चाह रहे हो कि पुलिस वाले लोग आपको सिर्फ डिस्प्ले देखकर ही छोड़ देंगे, क्योंकि वो वेरीफाई होकर ही बनता है पुलिस स्टेशन पे, हमारा एड्रेस होता है उसमें, और बच्चा भी जबरदस्ती करे तो जो स्टेशन से बना कहीं वो स्टेशन को डिस्प्ले जो बनाता आदमी है उसको हमारे नंबर फोन रहता है उसके, वो नंबर फोन करके से पूछे थे फलाना डीएल तुम्हारे पास डिस्प्ले बना है क्या, तो इनको हम पता लग जाता ना। सही बात, सही, ज्यादा रिस्क करने की जरूरत भी नहीं ना। बहुत सही, मगर अल्लाह के फजल से हमने कौन भी खड़ा करते नहीं। एक दिन आरटी नगर के स्टेशन में खड़ा करा, कौन की पीसी नया है, ये ताड़ का धाड़ है इसका है, खड़ा करा पैसेंजर गाड़ी में, खड़ा करा मैं खड़ा कर डीएल को रेज मार रखा, डीएल डिस्प्ले जो ओरिजिनल डीएल इला नामिनेशन मारी तकोली कर दिया, अरे आदि बेड़ा ಒರಿಜಿನಲ್ ಬೇಕು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ತುಂಬ, ಅದನ್ನು ಬೇಡ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಿಎಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಯಾ ಕ್ಯಾ ಹೋಗಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ 15-16 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ನಂದು 78ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ಡಿಎಲ್ ನಾನು ನೋಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಎಲ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಟೂ ವೀಲರಿಂದ ಹಿಡಿದು 6 ವೀಲ್ ತನಕ ಇದೆ ಬಲಿಂತ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಡಿಎಲ್ಲೇ ಒರಿಜಿನಲ್ಲೇ ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಿಎಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಳ್ತನ ಆಯಿತು ಹೋಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಆಯಿತು ಬಿಡು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ಗಳಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಓನರ್ ಕಮ್ ಡ್ರೈವರ್ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕೇಸ್ ಇದೆ ಹೊಡೀರಿ ಈಗಲೇ ಸ್ಪಾಟ್ ಫೈನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟರು ನಿಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ಬಡ್ದ ಹೊಡೆದಿ ಸರ್ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಸೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ನೋಡ್ಕೊ ಈಗ ನಂಬರ್ ಗಿಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಆ ಥರ ಆಯಿತು ಆಯ್ತು ತುಂಬ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ So I just found another auto driver with us. So हम उनसे भी पूछते हैं कि वो कैसे फील करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? रिजवान पाशा। रिजवान पाशा आपका नाम है, तो आप बता सकते हैं कितने साल से आप ऑटो चला रहे हो? एक 10 साल से चला रहा हूँ। 10 साल से आप चला रहे हो, तो आप यहीं पे बैंगलोर में ही चलाते हो? बैंगलोर। बैंगलोर में चलाते हो, तो 10 साल की एक्सपीरियंस आपको सारे बैंगलोर की गली गली फिरते हुए मिल चुकी है? हाँ पता है। करेक्ट, राइट। तो आप ये बता सकते हो कि अभी जो राइट नाउ अभी फिलहाल को जो कमाई है जो आमदनी है वो सही है या पहले वाली सही थी? पहले वाली सही थी। अच्छा, तो पहले वाली सही थी? पहले वाली सही। अच्छा, तो आप ये बताओ क्या डिफरेंस हो गया, पहले बहुत अच्छा था अब क्यों खराब हो गया? अब तो गाड़ी ड्राइवर से भी ज्यादा हो गया है ना इसलिए। अच्छा, आपका मतलब ज्यादा ऑटो आ गया इसलिए कॉम्पिटिशन ज्यादा हो गया, तो इस वजह से ज्यादा भाड़ा नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आप एक पॉइंट बताओ कि जो ओला उबर आया है, ओला उबर जो अभी सिटी में चल रहा है, उसके वजह से आपको कुछ मदद हो रही है या कुछ फॉल्ट है उसमें? नहीं, मदद तो हो रही है। मदद हो रही है आपको, तो कैसे मदद हो रही है आपको? तो बुकिंग से भी देते हैं ना इसलिए। अच्छा, तो आप बोल रहे हो कि आप रजिस्टर्ड रहते हो ओला उबर में और वहां से आपको राइट्स भी मिलते हैं? करेक्ट, राइट। अच्छा, तो आप कोई ऐसा रूल या सजेशन कर्नाटका ट्रैफिक पुलिस को देना चाहोगे जो आप ऑटो ड्राइवर्स के लिए इम्प्लीमेंटेशन चाहोगे? चाहूंगा। तो क्या क्या इम्प्लीमेंट करना चाहोगे आप? लाइसेंस के लिए सर्टिफिकेट ये वो पूछ रहे हैं ना। अच्छा, तो सर्टिफिकेट के लिए मतलब लाइसेंस के लिए एक सर्टिफिकेट पूछा जाता है? हाँ। अच्छा, तो कोई स्टडी सर्टिफिकेट आपको देना ही पड़ेगा? हाँ। मतलब 10th स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट? हाँ। तो आप क्या बोलना चाह रहे हो उसके लिए? तो इसमें पढ़ के भी है नहीं पढ़ के भी है ऐसे ही बना के देना चाहिए। तो आप बोल रहे हो कि जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको भी कोई अपॉर्चुनिटी होना चाहिए कि उसको डीएल मिल पाए?
तो अभी मैं और एक ऑटो में बैठा हुआ हूँ और ऑटो ड्राइवर सर हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं उनका नाम। सर आपका नाम? दस्तगीर। दस्तगीर सर, कितने साल से ऑटो चला रहे हो? 4 साल से। चार साल हो गए, तो बैंगलोर में ही 4 साल? हाँ, बैंगलोर में। ठीक है, तो 4 साल पहले आप क्या कर रहे थे? टू व्हीलर मैकेनिक। टू व्हीलर मैकेनिक थे आप, तो फिर ऑटो ड्राइवर क्यों बने? मैं टू व्हीलर मैकेनिक का काम 15 साल किया रहा शोरूम में, मेरे को तबीयत बराबर नहीं आती, मैं एडमिट हो गया। जब पेट्रोल डीजल नहीं छीना को डॉक्टर बोलिया, उसका जब दूसरा काम तो नहीं आता, उसका से ऑटो ड्राइवर बन गया। अच्छा, तो आपके पास कोई 10th स्टैंडर्ड की सर्टिफिकेट है जिसे आपने बनाया अपना डीएल? क्या भी नहीं हमारे पास, मैं 4 क्लास पढ़ा हूँ, जब डीएल बनाया था मैं, टू व्हीलर का डीएल बनाया था, उसमें जाके अटैच करके इसमें चला। अच्छा, उसी में आपने अटैच कर लिया, ठीक है। तो आप 4 साल से ऑटो चला रहे हो, 4 साल पहले आपको जो आमदनी थी और जो अब आमदनी है, क्या फर्क कुछ है? पहले परवानी आमदनी मैकेनिक में अच्छा है, इसमें क्या भी तो नहीं। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, 4 साल से जो आप ऑटो चला रहे हो, तो 4 साल पहले जो ऑटो में आमदनी होती थी उस आमदनी में और आज जो ऑटो चलाकर आमदनी होती है उसमें कोई फर्क है आपके लिए? फर्क बहुत फर्क है। 2 साल के पहले डेली 1000-1500 रुपए कमा, अब 500-800 रुपए को बिजनेस मर गया। अब आधे का था ये ओला उबर आया ना, उसमें हमारे को बिल्कुल कम हो गया बिजनेस। अच्छा, तो ओला उबर से भी आपका बिजनेस इफेक्ट हुआ है? बहुत इफेक्ट हुआ गया, तो ओला उबर से तो हमारा बिजनेस फुल मर गया। तो ओला उबर आने से पहले आपको ज्यादा कमाई होती थी, अभी कम कमाई हो रही है? वो आराम से 1000-1500 रुपए घर को लेके जाते थे, गाड़ी का कलेक्शन 200। तो फिर आप ये क्यों नहीं करते कि आप भी ओला उबर से जुड़ जाओ और आप राइड्स लो उनके? क्या करते, अब सब गाड़ी ओला उबर जम गया तो लोकल में मरने वाला कौन रहता ना, इसलिए हम नहीं जमे। अब ओला उबर बोला तो उन्होंने किधर रहता उधर हम जाके पिकअप करना, हमारे को नहीं होता। हमारा परमानेंट कस्टमर जो हॉस्पिटल का लोकल इधर उधर मर लेके थोड़ा जिंदगी आराम से चल रहा। ठीक है, वेरी गुड सर। आप एक लास्ट क्वेश्चन आपको पूछता हूँ, आप एक ये बताओ, कोई एक ऐसा सजेशन जिसको आप देना चाहोगे कर्नाटक का ट्रैफिक पुलिस को कि ये ऐसा इम्प्लीमेंट हो, मतलब कोई और चेंजेस ट्रैफिक रूल्स में आप चाहोगे? अब क्या भी ना, अब उन्हों कर रूल से तो बराबर है, अब 1000-1000 रुपए फाइन डाली ना, वो बहुत तकलीफ होता। पहले क्या भी डीएल नहीं रहा तो 200-300 डालते, चलो कांगे भाड़ा मार डाले दे डाले, अब 1000 रुपए मिनिमम डाल रही ना, वो बहुत तकलीफ हो रहा था। 100-200 बोला तो आराम से डालते, इधर से मुझे सुखपुर जाना बोला तो 250 रुपए मीटर पड़ता, हमें हम 300-350 को जाता, उधर कौन भी पकड़ डाला। अब गाड़ी में एक इंश्योरेंस पेपर नहीं रहा, भूल चुक को एक हमारा पास डीएल घर में छोड़ के चले गए, 1000 रुपया गए, तो बहुत तकलीफ हो रहा था हमको। तो आप क्या चेंज करना चाह रहे हो? आप कह रहे हो कि जो फाइन्स है वो फाइन थोड़ा कम हो? उन्होंने जो भी करते हमारे अच्छे को कुछ करते हैं, क्या हमें उसको गलती नहीं बोलना क्या? तो 1000 रुपया फाइन बहुत है, मिनिमम को 200-300 पहले से आता, अब सिग्नल जम को 100 रुपया आता, डीएल को 200 आता, यूनिफॉर्म को 200 आता, वो बराबर आता, अब 1000-1000 रुपया डाल दिया, बहुत वाखा हो गया। अब डीएल रयास वाला भी गाड़ी चलाता, नहीं रयास वाला भी गाड़ी चलाता, जो मजबूर का आदमी क्या ऑटो चलाता, जो रुपए वाला ऑटो नहीं चलाता। अब हमने एजुकेशन ने जब हमें क्या करते हैं, क्या इसको चलाना पड़ता ऑटो को, अब दूसरा काम को मट्टी का काम को इसके काम को जाने नहीं होता, इसलिए 1000 रुपया बहुत तकलीफ हो रहा आदमियों को। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये हमारे व्यूवर्स समझे कि इनकी तकलीफ क्या है और ये क्या बोल रहे हैं, आप समझो। तो अब मैं और एक दूसरे ऑटो ड्राइवर्स के साथ, तो ये बहुत ही यंग लग रहे हैं, तो इनसे पूछते हैं हम कि ये कब से ऑटो चला रहे हैं, कब से ऑटो चला रहे हैं? आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम। सैयद शुएब। सैयद शुएब, सो सैयद शुएब भाई, आप किस कितने साल से ऑटो चला रहे हो? 5 ईयर्स। 5 साल हो गए माशाल्लाह, तो 5 साल से आप सिर्फ ऑटो चलाते हो, तो क्या रीजन थी आपको ऑटो चलाने के लिए इतनी यंग एज में? घर की परेशानी थी थोड़ी, इसीलिए पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए ऑटो चला रहे। So, अभी इधर ऑटो चलाने के लिए कुछ ये हुआ तो इधर पुलिस वाले लेकर जाकर 1000-2000-2500 लेकर छोड़ते नहीं, कुछ बोले तो ऐसा वैसा गाली उलस करते रहते। लेकिन क्यों करते हैं? आपके पास ये नहीं है कि ड्राइविंग लाइसेंस?
डिसिप्लिन, हम पढ़े लिखे होते तो लाइसेंस हम बना सकते थे, अभी लाइसेंस बनाने के लिए गए तो 10,000-20,000 मांग रहे हैं। तो ये तो गलत है ना कि आपको अगर लाइसेंस नहीं है और आप चला रहे हो गाड़ी? हमारे पास कुछ पढ़े लिखे नहीं है हमें, इसीलिए हम ऑटो चला रहे हैं। तो आप बोल रहे हो कि कानून ऐसा होना चाहिए कि आपको अगर पढ़े लिखे नहीं भी हो तो भी लाइसेंस बनने की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, करेक्ट? गरीब लोग को गवर्नमेंट से तो कुछ मदद करना चाहिए, कुछ भी नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। सही बात, सही बात। तो मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपको पूछना चाहूंगा, 4 साल से आप चला रहे हो, पांच साल से आपका ऑटो चला रहे हो, 5 साल पहले जो आमदनी थी जो आप कमा रहे थे और अब जो आप कमा रहे हो, सेम है या डिफरेंस है? डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जब काम कर रहे थे तब 500 रुपए कमाते थे, अब 300-400 रुपए कमा रहे हैं। अच्छा, 500 से 300-400 हो गया, क्यों ऐसा है? पुलिस वाले पकड़ कर लाइसेंस दो, ये दो, वो दो, फुल यूनिफॉर्म चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऑब्जेक्शन करते रहते। सही बात, सही बात। कोई एक ऐसा रूल आप कर्नाटका पुलिस से चाहोगे, कर्नाटका पुलिस, ट्रैफिक पुलिस से चाहोगे कि ऐसा इम्प्लीमेंट हो कि आपको हेल्प हो? हम क्या बोल रहे हैं, हमारे को एक स्टैंड चाहिए, वो स्टैंड के लिए हम लेटर भी डाला है, वो कुछ ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा है, इसीलिए हम कोशिश में हैं। अच्छा, ये एक ऑटो स्टैंड आप पूछ रहे हो? स्टैंड। अच्छा, तो ये एरिया हेगड़े नगर सर्कल है, हेगड़े नगर सर्कल में आपको एक स्टैंड चाहिए, ये आपकी मांग है? ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपको बात करने के लिए, जज़ाकअल्लाह खैर।